हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आपने बताया, आज शुरू करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सेकंड पार्ट। और तो चलते हैं। दो असमान धातुओं के किसी सर्किट से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जंक्शन पर एक ऊष्मा उत्पन्न होती है और दूसरे जंक्शन पर इसको अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस प्रभाव को दोस्तों पेल्टियर प्रभाव कहते हैं। ये ऊष्मा के संदर्भ में होता है और मोस्टली आप जो समझते हैं वो सीबेक प्रभाव समझते होंगे। ये वो होता है जिसमें पीजो इलेक्ट्रिक ईएमएफ आता है दोस्तों। वो ये होता है कि एक साइड से दोनों धातुओं को हमने मिला दिया, दूसरी साइड से दोनों को ओपन रखते हैं। जब यहां पर अपन इसको सप्लाई देते हैं ना दोस्तों, तब एक ऊष्मा उत्पन्न होती है जो इन दोनों सिरों के बीच में ईएमएफ उत्पन्न करती है। वो तो कहलाता है सीबेक प्रभाव। पेल्टियर प्रभाव दो जंक्शन के बीच में होता है, यानी दो असमान धातु है और उनके बीच में जंक्शन भी थे, तो एक जंक्शन पर उसमें उत्पन्न होती है और दूसरे जंक्शन के द्वारा वो ऑब्जर्व कर ली जाती है। पेल्टियर प्रभाव कहलाता है। प्रश्न का उत्तर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या स्ट्रेसिस और एडी करंट आने से मुक्त है? देखो, स्ट्रेसिस और एडी करंट आने उसमें होगी जहां अपन कोर नहीं लेते काम में। सबसे पहला तो ये, अब कोर तो डायनेमोमीटर प्रकार के मीटरों में भी नहीं होती दोस्तों, लेकिन फिर भी यहां पर वायर इस तरह से होती है क्योंकि कहीं ना कहीं अपन कोई एक मेटालिक वाल्ट इसमें जरूर ले लेते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण। क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरणों में केवल और केवल वोल्टमीटर ही आता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत पर ये काम करते हैं। दो प्लेटें होती है, इसमें इस तरह से डिस्क रखी जाती है, तो एक डिस्क को हम आवेशित करते हैं, दूसरी डिस्क को स्थिर रखते हैं। दोनों के बीच में एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है जिसके प्रभाव को उपयोग करते हुए एक डिस्क को रोटेट करा लेते हैं। हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर बनते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण केवल वोल्टेज नापने के ही काम आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी इस प्रकार का केवल एक वोल्टमीटर ही हो सकता है। तो प्रश्न का उत्तर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध। आदर्श एमीटर का जीरो होते दोस्तों, आदर्श वोल्टमीटर होता तो अनंत हो जाता और सामान्य एमीटर होता तो बहुत कम हो जाता। तो अभी प्रश्न का उत्तर अपना ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सूचक उपकरण के नियत टॉर्क और घर्षण टॉर्क का अनुपात क्या कहलाता है? तो घर्षण टॉर्क और अस्थिर टॉर्क जो होता है ना दोस्तों, उन दोनों का अनुपात विश्वसनीयता कहलाता है। प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगर में कंट्रोलिंग टॉर्क कौन देता है? ध्यान रखना दोस्तों, मेगर और पावर फैक्टर मीटर दो इस तरह के मीटर है जिनमें कोई स्प्रिंग कंट्रोल नहीं होता। कोई स्प्रिंग यानी ना तो ग्रेविटी होती ना स्प्रिंग कंट्रोल अपन लगाते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क होता ही नहीं है। तो फिर इनमें कंट्रोलिंग टॉर्क आता कहां से होगा? तो मापी की कॉइल खुद ही कंट्रोल कर लेती है उसको। प्रश्न का उत्तर सी रहेगा। नेक्स्ट है सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट तो कॉपर टंगस्टन एलॉय के होते हैं। प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। पहले भी कई बार प्रश्न हल कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी इंडक्शन मोटर में टूथ या स्लॉट हार्मोनिक्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं? टूथ या स्लॉट हार्मोनिक्स होती है दोस्तों जो स्टेटर और रोटर के बीच एयर गैप होता है, अगर वो असमान होगा तो फिर टूथ हार्मोनिक्स जनरेट होंगे। देखो, एक हार्मोनिक होते हैं विषम हार्मोनिक्स धारा और वोल्टेज के दोस्तों, तो वो तो होते हैं जब प्रॉपर साइन वेव नहीं मिलती स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र को और इसके कारण मोटर में क्राउलिंग होती है यानी स्पीड कम हो जाती है। और रोटर स्लॉट अगर इसको नहीं करेंगे तो फिर कोगिंग यानी मैग्नेटिक लॉकअप हो जाएगा। तो वायु में जो गैप में यानी एयर गैप जो होगा वो अगर अलग अलग होगा तो फिर हार्मोनिक्स जनरेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्लिप पूछी गई है कि इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस गति 250 आरपीएम, रोटर गति 200 आरपीएम में तो प्रतिशत स्लिप। दोस्तों स्लिप का मान होता है, ज्ञात करने का सूत्र, सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति बटे सिंक्रोनस गति इंटू 100। तो अब अपन अगर देखेंगे तो इन दोनों का अंतर आएगा 50, यानी 50 बटे 250 इंटू 100 करने दोस्तों उत्तर आ जाएगा 20%। सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति बटे सिंक्रोनस गति इंटू 100 से आप जब सोल्व करोगे तो प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, ये उत्तर होगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा स्टार्टर से जब अपन मोटर को स्टार्ट करेंगे तो वाइंडिंग कैसे कैसे जुड़ती है स्टार्टिंग के समय रनिंग के समय? तो जैसे कि दोस्तों नाम से पता है, पहले स्टार में और फिर डेल्टा में जुड़ती है। प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। किसी स्थिर प्रचालन के लिए किस डीसी मोटर के गुण दोस्त तीन फेज इंडक्शन मोटर के बराबर होंगे? देखो दोस्तों, नियत प्रचालन के लिए है तो डीसी शंट मोटर की गति नियत होती है, हम सब जानते होंगे। और इसका भी कारण है, डीसी मोटरों की गति फील्ड फ्लक्स की व्युत्क्रमानुपाती होती है दोस्तों। तो शंट मोटर में फ्लक्स नियत रहता है इसलिए वहां पर गति भी नियत रहती है। तो प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक तीन फेज इंडक्शन मोटर का रोटर सिंक्रोनस गति पर चलेगा तो रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? देखो दोस्तों,
जब रोटर गति सिंक्रोनस गति के बराबर हो तो स्लिप का मान जीरो होता है, आप ध्यान रखिएगा। और रोटर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो स्लिप पर ही निर्भर करती है। जब स्लिप का मान जीरो हो गया तो रोटर फ्रीक्वेंसी का मान भी कितना होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है अंश या स्लिप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब स्लिप का मान जीरो है तो उसको सप्लाई फ्रीक्वेंसी से आप मल्टीप्लाई कर दो कितना भी, उत्तर तो जीरो ही आएगा। अगला प्रश्न है कि एकल कला प्रेरण मोटर में यानी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग क्यों लगाते हैं, ये प्रश्न अपन से पूछा जा रहा है। यानी अकेली रनिंग वाइंडिंग हो तब क्या होता? देखो, एक वाइंडिंग होती तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होती। यानी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग स्टार्टिंग टोर्क डेवलप करने के लिए होती है, मोटर को स्टार्ट करने के लिए होती है। प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंक्रोनस मोटर का लाभ है? ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। अब लाभ तो क्या है, एक तरह से विशेषताएं पूछेगी ये, सिंक्रोनस मोटर की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, ये बिल्कुल सही है। भार के लिए निरपेक्ष नियत गति बनाए रखती है, यानी प्रत्येक लोड पर स्थिर स्पीड से चलती है, ये भी सही है। किसी भी पावर फैक्टर पर अपन चला सकते हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर रोटर की एक्साइटेशन पर निर्भर करता है, और रोटर एक्साइटेशन बदलकर हम उसको तीनों पावर फैक्टर पर चला सकते हैं। और अधिक कार्य दक्ष यानी इंडक्शन मोटर से तुलना करने पर दक्षता अधिक होती है, तो ये सारी विशेषताएं सही है। प्रश्न का उत्तर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि को कम करने के लिए एक तीन फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर को लेमिनेट किया जाता है। तो हम सब जानते हैं एडी करंट हानि कम करने के लिए कोर को लेमिनेट करते हैं। प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर के स्टेपलेस स्पीड कंट्रोल के लिए कौन सी विधि काम में लेंगे, यानी डायरेक्ट एक स्पीड मिल जाए हमें सीधी प्रत्यक्ष रूप से, भिन्न भिन्न स्टेप में ना मिले। तो दोस्तों पोल की संख्या से होगा, क्योंकि इंडक्शन मोटर की गति फ्रीक्वेंसी के समानुपाती और पोल की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। और फ्रीक्वेंसी को तो अगर एक दो अल्टज कम करते हैं तो गति बहुत ज्यादा स्टेप में परिवर्तन होती है, लेकिन पोल के साथ गति प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित होती है। जैसे दो पोल हो तो मोटर की गति 50 अल्टज फ्रीक्वेंसी पर 3000 RPM आएगी। तो इसी तरह से अगर अपन पोल को जस्ट दोगुना कर देंगे तो स्पीड सीधी सीधी 1500 RPM हो जाएगी। अब आप देखिए कोई स्टेप नहीं आया, यानी 3000 से 1500 पर लाने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ पोल की संख्या को दोगुना कर दिया, स्पीड जस्ट आधी हो गई। तो प्रश्न का उत्तर बी होगा, पोल की संख्या को परिवर्तित करके। अगला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर में फील्ड कमजोर होना के रूप में भी जाना जाता है। यानी डीसी मोटर में अगर ये यूं कह रहे हैं कि फील्ड कमजोर होगा तो क्या होगा, फील्ड कमजोर डीसी मोटर में तब होगा। तो फील्ड फ्लक्स के लिए अगर बात करें तो डीसी मोटर का टॉर्क जो है वो फील्ड फ्लक्स के ही समानुपाती है। यानी अगर मोटर का फील्ड फ्लक्स कम होता है तो ये पावर कंट्रोल विधि की तरह ही होगा, मोटर का एक तरह से टॉर्क यानी यांत्रिक शक्ति भी कंट्रोल हो ही जाएगी। तो प्रश्न का उत्तर अपना डी रहेगा, पावर कंट्रोल नियंत्रण विधि। अगला प्रश्न है स्वीनबर्न टेस्ट डीसी मोटर को प्रचालित करता है। स्वीनबर्न टेस्ट नो लोड पर काम में लेते हैं अपन संट और कंपाउंड मोटर में दक्षता ज्ञात करने की एक विधि है। और सीरीज मोटर में ब्रेक टेस्ट होता है, जबकि होपकिंसन टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट संट और कंपाउंड मोटर में लोड टेस्ट के जैसा होता है। तो स्वीनबर्न संट और कंपाउंड में नो लोड टेस्ट होता है, दक्षता ज्ञात करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी चुंबक के लिए उपयोग द्वारा सिंक्रोनस मोटर में चुंबकीय क्षेत्र किससे बनेगा। यानी अगर स्थायी चुंबक हो तो एक सिंक्रोनस मोटर में मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम किस धातु का उपयोग करेंगे। तो जब इतने सारे ऑप्शन दे रखे तो दोस्तों यही होगा, प्रश्न का उत्तर ई दिया है इन्होंने, अलग ही तरह का प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा। ये कह रहे हैं कि नियोडमियम बोरोन और आयरन की मिश्र धातु, समारोह कोबाल्ट और फेराइट, इन तीनों धातुओं में से किसी का बना हुआ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाई गई वाइंडिंग कौन सी है, किस घुमाव को संकेत कर रही है। तो ये जो वाइंडिंग का प्रकार है ये स्क्यू वाइंडिंग है, प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेप रिकॉर्डर में निम्नलिखित में से कौन सी मोटर होती है। तो टेप रिकॉर्डर में स्ट्रेसिस मोटर होती है। दोस्तों स्ट्रेसिस मोटर का रोटर कठोर क्रोमियम स्टील का बनता है, जिससे इसमें स्ट्रेसिस हानि उच्चतम हो। स्ट्रेसिस और एडी करंट प्रभाव से इसमें टॉर्क उत्पन्न होता है। और सबसे बड़ी विशेषता होती है कि मोटर में शोर रहित प्रचालन होता है, यानी मोटर में किसी प्रकार का कोई शोर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है स्टेटर वाइंडिंग पर कंटिन्यूटी जांच के दौरान सीरीज लैंप का क्या होगा यदि वाइंडिंग ओपन हो।
यानी वाइंडिंग में आप कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हो, सीरीज टेस्ट लैंप का उपयोग कर रहे हो। यदि वाइंडिंग खुली है तो लैंप प्रकाशित नहीं होगा दोस्तों, यानी लैंप अंधकार में ही पड़ा रहेगा, लैंप प्रकाशित नहीं होगा यदि वाइंडिंग ओपन है। यदि वाइंडिंग सही है तो वो पूर्ण प्रकाशित होगा एक तरह से, यानी अपना मतलब है जितना प्रकाशित होना चाहिए उस तरह से, और अगर शॉर्ट है तो तीव्र प्रकाशित होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर खांचों के संदर्भ में दो आसन और विपरीत ध्रुवों के बीच की दूरी को तो पोल पिच के नाम से जानते हैं दोस्तों। आसन का मतलब होता है पास पास और विपरीत, यानी दो एडजेसेंट पोल जो अपोजिट पोलरिटी के हो उनके बीच की दूरी को हम पोल पिच कहते हैं। प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बार पर डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट नहीं करना चाहिए दोस्तों। डीसी मोटर की गति, विशेष तौर से सीरीज मोटर की गति बार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी अगर आप लोड नहीं दोगे तो मोटर की स्पीड अनंत हो जाएगी और इतनी गति उच्च होगी कि उसका आर्मेचर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण निकल करके बाहर आ सकता है। अब केंद्रीय बल लगता है गति के साथ, तो उत्तर सी होगा, खतरनाक उच्च गति पर वो चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विनबर्न टेस्ट के दौरान लोहे हानि को मान लिया जाता है, तो लोहे हानि को अपन फिक्स मानते हैं दोस्तों, स्थिर मान लेते हैं और फिर कॉपर लॉस को अपन टेस्ट उसमें कर लेते हैं, तो प्रश्न का उत्तर बी रहेगा। नेक्स्ट है कि डीसी मोटर में एक डीसी टोरक को की सहायता से लेते हैं। अब एक डीसी दोस्तों आप मोटर है इसलिए टोरक होगा, यूनि डायरेक्शनल टोरक की बात कर रहे हैं, और अगर जनरेटर होता तो एक डीसी ईएफ की बात कर लो। तो डीसी मोटर में आपने देखा होगा कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश का सेट लगता है दोस्तों, तो ब्रश और कम्यूटेटर ये दोनों मिलाकर के करते हैं, इसलिए प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा।